दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube सेल्फ केयर चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोपामाइन इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे कि डोपामाइन इंजेक्शन क्या है, इसका उपयोग कौन सी बीमारी में किया जा सकता है, साथ में ये भी जानेंगे कि डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग करने से क्या फ़ायदा मिल सकती है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर हम डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो उससे पहले कौन सी बीमारी है, तो ऐसी बीमारी में हम उपयोग नहीं करें। साथ में ये भी जानेंगे कि डोपामाइन इंजेक्शन जो है उसका प्राइस क्या रहने वाली है, और इसका ड्रग इंटरेक्शन सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर डोपामाइन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो उसके स्थान पर कौन सा इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अंत में हम ये भी जानेंगे कि अगर हम पहले से कौन सी ऐसा दवाई है जिसका उपयोग कर रहे हैं तो उस दवाई के साथ डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग नहीं करें। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डोपामाइन इंजेक्शन क्या है। डोपामाइन इंजेक्शन एक डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है और यह दवा जैन औषधि कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और इस इंजेक्शन का उपयोग एडल्ट के लिए है, यानी कि 12 साल से अधिक एज वालों के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन 12 साल से कम एज वाले में इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं कि डोपामाइन जो इंजेक्शन है इसका उपयोग कौन कौन सी बीमारी में किया जाता है। तो सबसे पहले डोपामाइन इंजेक्शन का जो उपयोग है मुख्य रूप से वो हार्ट अटैक एंड बीपी लो हो गई हो उस कंडीशन में एंड शॉक, इन सारी कंडीशन में डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इन्हीं सारी कंडीशन में डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ बीमारियों में, कुछ प्रॉब्लम्स में डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं तो एक निर्धारित डोज में करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इस इंजेक्शन का उपयोग है वो यही है। अब हम बात कर लेते हैं कि डोपामाइन इंजेक्शन जो है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो डोपामाइन इंजेक्शन का, जैसे कि हर किसी मेडिसिन का लाभ होता है तो उसको कुछ ना कुछ तो दुष्प्रभाव भी रहेगा, साइड इफ़ेक्ट भी रहेगा। तो नॉर्मली इसका साइड इफ़ेक्ट तो उतना गंभीर नहीं है डोपामाइन इंजेक्शन का, होता भी है तो कुछ देर के लिए बनी रहती है, अपने आप ठीक हो जाती है। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होती है जैसे कि स्किन पे लाली पन आ गया है, दर्द हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, थकान होना, ये सब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं बनी रहती है। अगर आपको ज़्यादा देर तक बनी रहती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये हो गई डोपामाइन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट। अब हम जान लेते हैं कि डोपामाइन इंजेक्शन जो है इसका लाभ क्या है, यानी क्या फ़ायदा है। तो डोपामाइन इंजेक्शन के बारे में जैसे हमने देख लिया कि कौन सी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है, तो आपने देखिए हार्ट अटैक हो गया, शॉक हो गया एंड बीपी लो हो गया, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो बेसिक सी चीज़ है, हार्ट अटैक में ये इंजेक्शन बीमारी में हेल्प करता है। जैसे कि जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है उनका हार्ट पहले से ही कमज़ोर होता है, तो हार्ट क्या होता है ना, सही से ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिससे होल बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में डोपामाइन इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो वो हमारे बॉडी पर काम करता है एंड हार्ट को पंप करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से डोपामाइन इंजेक्शन हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है और लाभ पहुँचाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम जान लेते हैं कि डोपामाइन इंजेक्शन जो है उसका उपयोग कौन कौन सी बीमारी की कंडीशन में नहीं किया जाता है। तो देखिए, डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग अगर पहले से आपको एंजाइना पेक्टोसिस का प्रॉब्लम है एंड लीवर संबंधी डिशीज है, हार्ट से रिलेटेड और भी कोई परेशानी है एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रोग है एंड डायबिटीज है, इन सारी बीमारियों में डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। डॉक्टर फिर भी इस बीमारी होने के बावजूद भी इस मेडिसिन का एडवाइस दे रहे हैं तो उसका एक निर्धारित डोज में किया जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब डॉक्टर के पर्चे द्वारा ही कोई भी मेडिसिन को लेना चाहिए। तो इन सारी बीमारियों में डोपामाइन इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डोपामाइन इंजेक्शन की डोज यानी खुराक के बारे में। तो देखिए, कोई भी मेडिसिन का जो खुराक होती है वो मुख्य रूप से तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले जो निर्भर करती है वो है रोग
बीमारी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, दूसरी चीज़ कि वह मेल है फीमेल है और उसकी एज कितनी है। इन तीनों चीज़ों पर मुख्य रूप से कोई भी डोज को निर्धारित किया जाता है और उसी के अनुसार डॉक्टर डोज को अपना निर्धारित करते हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ आप लोगों को डोज बता रही हूँ वो रहने वाली है, वो है 10 mcg पर kg। ओके, और ये भी डोज जो है वो एडल्ट के लिए होती है 10 mcg पर kg। ठीक है, इंजेक्शन का प्राइस क्या रहने वाली है? देखिए डोपामाइन इंजेक्शन का जो प्राइस है वो एक इंजेक्शन की 22 रुपये होती है जो कि एक पैकेट में आती है। और ये भी बहुत सारी जगह से क्वेश्चन बनी रहती है कि डोपामाइन इंजेक्शन को स्टोर कैसे करना है। तो देखिए कोई भी मेडिसिन होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका स्टोर किया जाता है और सनलाइट से बचा के, डायरेक्ट अगर जहाँ पे सनलाइट हो रही आ रही होगी उस जगह से बचा के मतलब कोई भी टैबलेट हो या मेडिसिन हो उसको स्टोर किया जाता है। और इस इंजेक्शन का जो प्रभाव होता है, जैसे इंजेक्शन लगाने के 10 से 15 मिनट के बाद ये अपना असर करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आप डोपामाइन इंजेक्शन से जुड़े हुए और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करें और वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट से लेकर ड्रग इंटरेक्शन पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।